जानते हैं श्रीमती सुनीति त्यागी से कि कैसे अपने आप को अकेलेपन का शिकार न होने दिया जाए। तो आइए सुनते हैं उनसे ये वार्ता। पहलू, अकेलेपन से जुड़े सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। इसके द्वारा हमें बहुत से ऐसे प्रसंगों का पता चलेगा जो हमारे अकेलेपन का कारण बनते हैं। इसके प्रभाव का सीधा हमारी जीवन शैली पर पड़ता है, लेकिन कई जगह देखा गया है कि अकेलापन सृजनात्मक का भी कार्य करता है। अकेलापन होता क्या है? अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं और अजीब ख्यालों में डूबे रहते हैं। अकेलेपन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेलापन और अकेला होना एक समान नहीं है। बहुत से लोग अनेक बार परिस्थितियों के कारण या इच्छा से अकेले हो जाते हैं। अगर यह व्यक्ति के नियंत्रण में है तो अकेला होना सकारात्मक, सुखद और भावनात्मक रूप से तरोताजा करने वाला अनुभव हो सकता है। अकेला होना और अन्य लोगों से परे रहने की अवस्था एकांत है, और इसके विपरीत अवांछित एकांत का परिणाम अकेलापन है। अकेलेपन शब्द का पहला उपयोग विलियम शेक्सपियर के कोरिओलिस में मिलता है, तथा अकेलापन को अन्य व्यक्तियों से अलगाव की भावना के रूप में भी वर्णित किया जा सकता। अकेलापन एक सामाजिक घटना के रूप में भी देखा जा सकता है जो एक रोग की तरह फैलने में सक्षम है। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया कि अकेलापन क्या है, तो कई लोगों ने कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग किया, जैसे कि फील, पीपल, एलोन, शेयर, समवन। ये ऐसे शब्द हैं जो उनके मुताबिक अकेलेपन का एहसास कराते हैं। अधिकतर लोग सामाजिक अलगाव और अकेलेपन को समान समझते हैं, लेकिन इन दोनों की कंडीशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। सामाजिक अलगाव का मतलब शारीरिक रूप से अलग, लोगों से दूर रहना। अकेलापन एक भावना है। इसका एहसास करीबी लोगों के संपर्क में रहने और उनसे मिलने के बावजूद भी हो सकता है। ये दोनों स्थितियाँ एक साथ भी अनुभव की जा सकती हैं और अलग अलग भी हम इसका एहसास कर सकते हैं। डिप्रेशन और अकेलापन भारत सहित पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, और इसे केवल समाज की जिम्मेदारी मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किंतु इधर हाल की स्थितियों को देखते हुए दुनिया भर के देशों और सरकारों ने अब इसे गंभीरतापूर्वक लेना शुरू कर दिया है। एक सर्वे में यह सामने आया था कि 54% लोगों के पास नए दोस्त बनाने के लिए समय ही नहीं है, इसलिए भी वे अकेले हैं। इस चिंता को समझते हुए कुछ लोगों ने अपने सुझाव दिए और उन्होंने कहा कि अकेलेपन से कैसे लोगों को बाहर लाया जाए, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नगरों में या उच्च वर्ग में सभी लोगों में अकेलापन जो है बढ़ता ही जा रहा है, और उनको सताया जाता है अकेलापन। एक समीक्षक और कथाकार हैं, उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से उच्च वर्ग के पात्रों के अकेलेपन की समस्या को प्रस्तुत किया है, जिससे उपन्यास की नायिका अपने घर में ही अकेलेपन का खालीपन महसूस करती है। बचपन से ही हाई स्कूल तक वह हॉस्टल में रहती है। वह बचपन में आयाओं के हाथों पलती है। उसके माता पिता हमेशा अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। वक्त गुजारने के लिए उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, फिर भी वह खालीपन और शून्यता उसके जीवन में होती है। सुविधाएं हैं, लेकिन सब होते हुए भी कुछ भी नहीं है। न माता पिता का साथ है और ना ही माँ का स्नेह है। उन्होंने उसको सारी सुविधाएं तो दी, पर वक्त अपना नहीं दिया। सुविधाओं का सुख तभी मालूम पड़ता है जब उन्हें किसी के साथ भोगा जाता है। ये समस्या बहुत से बच्चों के सामने भी आती है। ऐसे ही मध्यम वर्ग के परिवार के सदस्य एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। कोई भी सुविधाएं ना मिलने पर क्या होता है, अपनी सुविधाओं की तलाश में उधर उधर भटकने लगते हैं। इससे भी बड़ी एक समस्या वृद्धा अवस्था में अकेलेपन की त्रासदी की भी है। परिवार के सभी सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उनसे बात करने का उनके पास समय ही नहीं होता है। सुविधाओं के रूप में उन्हें सुबह शाम का खाना मिल जाता है, छोटी छोटी जरूरतों के लिए वे निर्भर होते हैं, जिससे अकेलेपन के साथ साथ उनमें शर्मिंदगी भी घर कर जाती है। इन सब बातों को देखते हुए हमें चाहिए कि हम सभी जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं अपने बुजुर्गों के पास बैठें, उनसे बातें करें और उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आज भी उनकी जगह वही है जहाँ पहले हुआ करती थी।
आप उन्हें ये भी एहसास कराएं जैसे बचपन में आपका ख्याल उन्होंने रखा था, आपके माता पिता ने, और अपना फर्ज उन्होंने समझा था, वैसे ही आप भी एक प्यार के एहसास के साथ उन्हें ये महसूस कराएं कि आप और हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा ये फ़र्ज है उनके साथ बैठकर चाय पिएं, उनके साथ बैठकर बातें करें, और हम वीकेंड पर कहीं उन्हें घुमाने ले जाएं, जिससे उन्हें अकेलेपन महसूस नहीं होगा और उन्हें घर में अपनी मौजूदगी का और अपने रहने का एहसास भी होगा और हमारे साथ रहने का भी एहसास होगा। बहनों, व्यस्तता के कारण अकेलेपन की समस्या बढ़ती जा रही, हमें लगता है कि अकेलापन, निराशा तथा खालीपन सिर्फ मध्य या निम्न वर्ग में ही नहीं देखने को मिलता, बल्कि जो परिवार संपन्नता से युक्त हैं, सुखमय जीवन जी रहे हैं, उच्च वर्ग में भी ये समस्या दिखाई देती है। यह प्रमुख समस्या बनती जा रही है। समाज में अनुभव से प्राप्त ज्ञान के संचार की प्रक्रिया लगभग समाप्ति हो चुकी है। अनुभव से मतलब यहाँ पर जो हमारे परिवार के बुजुर्ग होते हैं उनसे जो हम बातें करते हैं, वह जो है संचार जो हमारा आपस में होता है वो देखा जा रहा है कि खत्म सा ही होता जा रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ कि बुजुर्ग जो है अब अप्रासंगिक बन गए हैं परिवार में। इस दौर में करियर के लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, बेटे बेटियां परिवार से दूर हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था है कि वो परिवार से दूर होते जा रहे हैं, किशोर, युवा और बुजुर्ग एक संवादहीनता की स्थिति से गुजर रहे हैं, आपस में उनका कोई संवाद ही नहीं हो पा रहा है। इस कारण अकेलापन दरअसल संवादहीनता से ही उपजी स्थिति है। इसका कारण आपसी संबंध क्या हो रहा है कि कम होते जा रहे हैं और यह निजीपन अकेलापन होकर सामाजिक अकेलापन बनता जा रहा है। रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं रह गए हैं। सर्वे के दौरान जब लोगों से सवाल किया गया तो शोधकर्ताओं ने यह पाया कि वे लोग जो वाकई में खुद को अकेला मानते हैं, वे लोग इस अकेलेपन के बारे में खुलकर बात करना पसंद नहीं करते हैं। आज की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा, उच्च महत्वाकांक्षा, जॉब पैकेज, सब कुछ पा जाने की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जीती जा रही है या फिर जीती नजर आ रही है। उच्च महत्वाकांक्षाओं तथा हाई सैलरी पैकेज के चलते ये युवा नौकरियों में तो आ जाते हैं परंतु जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। परिवार से दूरी के साथ सामाजिक संबंधों का निर्वाह करने में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परिणाम स्वरूप अकेलेपन और अलगाव के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में बहनों, हमें अपने बच्चों के साथ कुछ इस तरह से तालमेल बिठाने की जरूरत है कि उनका करियर भी उन्नति करता रहे और वो परिवार और समाज से भी बंधे रहें। आप अपना या फिर हम अपना समय उनके लिए निकालें, उन्हें त्योहारों पर परिवार का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करें। इससे क्या होगा, परिवार में समन्वय की भावना उत्पन्न होगी और अकेलेपन से भी निजात मिल जाती है। कई बार लोगों के पहली बार अकेलेपन का अनुभव तब होता है जब तलाक या अलगाव किसी दीर्घकालिक रिश्ते के खत्म होने के परिणाम स्वरूप होता है। यह बहुत ही आम बात है, हालांकि यह आमतौर पर स्थायी नहीं होती है। बहनों, बच्चों में सामाजिक संपर्क की कमी का सीधा संबंध असामाजिक और आत्मविनाशकारी, विशेषकर शत्रुतापूर्ण और अपराधी व्यवहार हो जाता है। वर्तमान युग में देखा जा सकता है कि नगरों का जीवन तेज और गतिशील बनता जा रहा है, इसलिए बहनों, महानगरों की भीड़, कोलाहल और भाग दौड़ में उलझा व्यक्ति अपरिचय, अकेलापन, खुदगर्जी का शिकार बनता जा रहा है। एक ऑनलाइन सर्वे में 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के 27% लोगों ने माना था कि वे अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। 40% युवा जो कि 16 से 24 वर्ष की उम्र के थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि वे अकेलेपन महसूस करते हैं। और इस सर्वे के अनुसार अकेलेपन का कारण सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यम से जुड़ी पीढ़ी में अकेलापन बढ़ता दिखाई दे रहा है। युवाओं को लगता है कि उनके पास सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन असल में डिजिटल दोस्त होते हैं। व्यावहारिकता के लिए हमें समाज से ही जुड़ना पड़ता है। अगर समाज से जुड़ेंगे तो शायद अकेलेपन की जो सामाजिक समस्या खत्म हो सकती है। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हम एक सलूशन के रूप में ले सकते हैं, लेकिन समाज से कटकर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें समाज से जुड़ना ही होगा। हमें ये जुड़कर सिखाते हैं कि दूसरे कोने में बैठे युवा और परिवार के जो सदस्य हैं, इस डिजिटल के माध्यम से हम उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। और अंत में बहनों, यही कहना चाहूँगी कि
अगर हम अपने बच्चों वृद्धों को साथ लेकर चलेंगे तो हम अपने परिवार को एक नया रूप दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उन सब में जो अकेलापन है हम में भी है, हम उसको दूर कर सकते हैं। और वो चीज़ जो हम बाहर ढूंढते हैं, अगर हम अपने में ढूंढेंगे तो हमें एकांकीपन महसूस नहीं होगा। इसके एकांत में ही आप इस चीज़ को ढूंढ लोगे जो गुण आपके अंदर है। आप अपने आप पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी आपको अकेलापन महसूस भी नहीं होगा। अकेलेपन पर काबू पाने के लिए दिनचर्या में परिवर्तन का सामना करना सीखना आवश्यक है। अगर परिवर्तन है तो उसको स्वीकारिए और उसको अकेलापन, सामाजिक अलगाव या नैदानिक अवसाद के इलाज के लिए अनेक तरीकों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि कम्युनिटी से जुड़कर रहने का सीधा असर इंसान के मानसिक सेहत पर पड़ता है। तो अगर हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी और हम अकेलापन भी महसूस नहीं करेंगे। कुछ बातें हम सबके लिए समझनी जरूरी हैं, उन्हें अपनाकर हम इस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। इस अकेलेपन को लेकर नेगेटिव और डिप्रेस फील करने के बजाय इसे एक अलग नज़रे से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे इस अकेलेपन में हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपने आप में भी मस्त रह सकते हैं। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हम समय दें, व्यस्त रहें, इससे आपके सारे काम भी पूरे होंगे और क्या होगा, आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार, लेखक, पत्रकार और वैज्ञानिक अपने सृजनात्मक कार्यों के लिए एकांत की तलाश में रहते हैं। अर्थात एकांत सृजन की जरूरत है। एक योगी एकांत में ही योग की चरम अवस्था तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें अपनी आत्मा का विकास कर अकेलेपन से एकांत मार्ग छोड़कर सृजन के रास्ते पर चलना होगा। एकांत है, अकेलापन ना हो, एकांत हो, उससे क्या होगा, आप भी सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं। आज के युग में वृद्धों की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि परिवार में रहते परिवार के सदस्यों के पास समय ही नहीं है दूसरे के लिए, वृद्धों के लिए। इससे क्या होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए एक समस्या घातक साबित हो सकती है। इसलिए परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के समय देने के साथ साथ समन्वय की भावना भी रखनी चाहिए। सखियों, अभी आप सुन रही थी श्रीमती सुनीति त्यागी से एक वार्ता, जिसका विषय था अकेलेपन का शिकार न होने दें। उम्मीद है आपको वार्ता पसंद आई होगी। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं।